हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉक डायग्राम का जो फर्स्ट पार्ट था वो देखा था। अभी उसके आगे की बात करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिए, कुछ थोड़े बहुत रूल हैं जो अब बचे हुए हैं, उनको इस वीडियो में देखते हैं। देखो, अगर मान लो जो बचे हुए रूल है वो बता रहा हूँ। सपोज करो एक ये गेन टर्म है G1, ठीक है। इसके आगे एक और गेन टर्म है G2। ये दो सिस्टम है जो आपस में कैस्केड हो गए, ठीक है। अब दिस इज एज सिंपल की सपोज दो बल्ब है, ठीक है, सीरीज में लगे हुए। तो इसी तरह दो सिस्टम है जो आपस में सीरीज में लगे हुए, कैस्केडेड हो गए। तो इस चीज को बोला जाता है कैस्केडेड गेन, कैस्केडेड गेन, ठीक है। अब इस सिस्टम पे मैंने एक इनपुट दिया एक्स और सिस्टम से आउटपुट ले रहा हूं वाई। तो इसका जो ओवरऑल सिस्टम, अगर मैं इसको, मतलब इसको जो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूं, तो आई कैन डू लाइक दैट कि एक्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, G1 G2 और ये वाई। यानी जब भी कैस्केडेड गेन होंगी, सीरीज में गेन होंगी एक दूसरे के बाद, तो उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैस्केडेड गेन का ये पॉइंट याद रखना आप। इसके बाद टोटल चार रूल, टोटल मैंने आपको लगभग 6 रूल के आसपास पिछली बार बताया था, ठीक है। उसके बाद आगे के रूल है। इसके बाद एक और रूल जो है वो है कि सपोज करो मेरे पास एक ये गेन है G1 और दूसरी गेन है G2। ये दोनों इनपुट ले रही है एक्स किसी कॉमन टेक ऑफ पॉइंट एक्स से। यहां पे आके इन दोनों को, यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, G1x। यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, G2x, ठीक है। G1x और G2x यहां पे एक समेशन पॉइंट पे दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये जो ओवरऑल आउटपुट मिला वो क्या मिला, आप खुद सोच लो। G1x G2x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि y इज इक्वल टू G1 प्लस G2 इंटू x, ये भी तो लिख सकता हूं। तो फाइनली मुझे क्या, यहां पे इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि y इक्वल टू जी इक्वलेंट इंटू एक्स। तो ये जो जी इक्वलेंट है इस पूरे सिस्टम को, इसका मतलब समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी दो गेन पैरेलल में हो, यहां पे ध्यान से देखना, ये कोई आउटपुट से इनपुट की तरफ नहीं आ रहा है, ये इनपुट से आउटपुट की तरफ है, ये भी इनपुट से आउटपुट की तरफ है। यानी जब भी दो गेन सेम डायरेक्शन में मूव करें और वो यहां पे या तो प्लस हो या माइनस हो, अभी यहां पे ये दोनों प्लस हो रही हैं, तो इस चीज को बोला जाता है पैरेलल गेन। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल गेन जब भी आपको दी हुई होंगी, तो आप वहां पे क्या करोगे, इक्विवेलेंट गेन निकालने के लिए उन दोनों गेन का सम कर दोगे, ठीक है। तो ये दो रूल याद रखना, कैस्केडेड गेन यानी सीरीज में सिंपली बोलूं तो, और पैरेलल गेन हो तो ऐड होती है और अगर सीरीज में हो तो मल्टीप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट। अब क्योंकि बेसिक रूल आपको सब लगभग पता लग चुके हैं, तो इसके आगे के पार्ट पे अपन मूव करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। वो देखो क्या है कि इसको कहते हैं अपन बेसिकली फीडबैक, ठीक है। ये फीडबैक क्या है, क्या यूज होगा इसका, ये सब आपको आगे धीरे धीरे कंट्रोल सिस्टम में पता लगता चला जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि देखो ये एक समेशन पॉइंट है, ठीक है। एक इनपुट एक्स, एक ये जी और एक ये आउटपुट वाई। दिस इज एज सिंपल कि एक बार मान के चलो समेशन पॉइंट यहां पे नहीं है, सीधा मैंने इनपुट एक्स यहां पे दिया हुआ है, ये कनेक्टेड है मान लो, ठीक है, और ये आउटपुट मुझे वाई मिल रहा है। तो वाई क्या मिल रहा है इस केस में, जी इंटू एक्स, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि मैंने आउटपुट से कुछ फीडबैक लिया, ये दिस इज फीडबैक, ठीक है। मैंने आउटपुट से फीडबैक लिया और इसको एच फीडबैक गेन से मल्टीप्लाई करके, हेयर जी, जी को बोला जाता है फॉरवर्ड गेन, जी इज द फॉरवर्ड गेन एंड व्हाट इज एच, एच इज द फीडबैक गेन, फीडबैक गेन, ठीक है। तो यहां से ये मैंने फीडबैक लिया एच। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, यहां तक क्या प्रोड्यूस हुआ, ये वाई है, ये एच से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पे क्या मिल रहा है, एच वाई। अब यहां पे या तो साइन आपको प्लस का दे रखा होगा या माइनस का दे रखा होगा, ठीक है। अगर ये साइन प्लस का दे रखा हो तो फिर वो पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर ये साइन माइनस का दे रखा हो तो वो नेगेटिव फीडबैक है। ओके, तो अब देखो यहां पे दोबारा सोचते हैं हम इसे। जैसे पहले तो y प्रोड्यूस हो रहा था g इंटू एक्स, क्योंकि पहले x सीधा जा रहा था, लेकिन अब y इक्वल टू g इंटू एक्स नहीं होगा, अब क्या होगा सोच के देखते हैं। यहां से आया एच वाई, एच वाई प्लस या माइनस कुछ भी हुआ किसके अंदर, x के अंदर। तो यहां क्या प्रोड्यूस हुआ, यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, यहां पे जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है वो ध्यान से देखो क्या प्रोड्यूस हुआ है। यहां पे प्रोड्यूस हुआ है एक्स प्लस माइनस एच वाई, आप खुद सोच लो। यहां पे इस पॉइंट पे इधर से एक्स, इधर से एच वाई प्लस माइनस, तो एक्स प्लस माइनस एच वाई, और ये एक्स प्लस माइनस एच वाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जी से, और फिर वाई बना रहा है। इसका मतलब वाई किसके इक्वल है, वाई इक्वल है जी प्लस माइनस एच वाई के। कर लो इसे मल्टीप्लाई और सॉल्व करो इसे। तो जब इसे सॉल्व करोगे, दिस इज प्लस माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एक्स प्लस माइनस जी एच वाई, यही होगा, ठीक है। उसके बाद वाई को इधर लाए, तो वाई को इधर लाए तो वन, और इधर लाओगे तो अब ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस प्लस का, जी एच भाई प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, जी एक्स,
और अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं तो वो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, y अपॉन x, तो y x को नीचे ले आओ, तो y अपॉन x ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस, सॉरी माइनस प्लस जी एच। यहां से एक चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो देखो, अगर यहां पे साइन प्लस का दे रखा हो तो वो पॉजिटिव फीडबैक है, और पॉजिटिव फीडबैक के केस में ट्रांसफर फंक्शन वाई अपॉन एक्स, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आ रहा है, तो उस केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी अपॉन वन माइनस जी एच। और अगर नेगेटिव फीडबैक हो तो उस केस में ट्रांसफर फंक्शन वाई अपॉन एक्स क्या होता है, जी अपॉन वन प्लस जी एच। ये दो बात ध्यान रखना अच्छे से, ये फॉर्मूला अपने बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये दोनों फॉर्मूला, कि अगर यहाँ नेगेटिव फीडबैक हो, यहाँ साइन माइनस का हो, तो जी अपॉन वन प्लस जी एच, जो भी यहाँ पे गेन हो, जरूरी नहीं है वहां जी लिखा हुआ होगा, वहां पे जी की जगह जी वन जी टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी गेन टर्म डिफाइन हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो भी फॉरवर्ड गेन है वो, और अब डिवाइडेड बाय वन प्लस जो फॉरवर्ड गेन है वो इनटू फीडबैक गेन जो भी है वो, ठीक है। अगर नेगेटिव फीडबैक हो तो ये यूज होगा, और पॉजिटिव फीडबैक है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इसके साथ आपके सारे रूल खत्म हो गए हैं, ठीक है। एक रूल होता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस, लास्ट लेक्चर में भी बोला था, कि एक समेशन पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट के रिलेटिव मूवमेंट का जो एक रूल होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे मैं मतलब उसको नहीं समझाना चाह रहा, अभी सीधे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके जो मेजर क्वेश्चन हैं वो अपन बाद में, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्लास में मैं आपको इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी मैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सो दैट आप अपनी वर्कबुक को इजीली सॉल्व कर पाओ, जो आपको जो भी आपके पास गेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है या जो भी आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाओ। तो अभी मैं बिल्कुल मतलब बोलूँ तो मीडियम क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ कि ये वीडियो से जो भी अभी आप सीखे हो उसको इजिली आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाओ। तो अपन कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक लेट से एक क्वेश्चन अपन डेवलप करते हैं, ठीक है। मुझे दिया हुआ है लेट से एक क्वेश्चन है इस टाइप का, कि ये इनपुट है आर, यहाँ पे एक समेशन पॉइंट है, एक और समेशन पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई गेन दी हुई है वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है। अब ये जी है, देखो ये जी है अब, ठीक है, और यहां से एक फीडबैक लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और एक और फीडबैक लिया गया है यहाँ पे, लाइक दैट, ठीक है, ऐसे दे रखा है। यहाँ पे साइन मान लो माइनस का दे रखा है, यहाँ पे साइन प्लस का दे रखा है, सपोज ये क्वेश्चन बन गया, और ये आउट, और ये वाई है, ठीक है, वाई है, या सपोज क्वेश्चन में सी दे रखा है। अब पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन सी अपॉन आर, ये आपको पूछा हुआ है, ठीक है। ये इसी के सिमिलर क्वेश्चन गेट में 1987 में भी आया था, 2 मार्क्स में, ठीक है। तो लगभग उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने सिंपल सिंपल वे में बना दिया। आप चाहो तो यहाँ पे फीडबैक गेन भी ले सकते हो, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे बोल दो कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है इस लाइन में, यानी यहाँ पे फीडबैक गेन कितनी है, नीचे वाले में कितनी है फीडबैक गेन, 1 की, ये याद रखना फीडबैक गेन है दिस वन, दिस वन। अब देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि क्या आपको इजिली ये दिख रहा है कि आपके पास जी और एच और कोई फीडबैक, इस टाइप का एक फीडबैक नेटवर्क अवेलेबल है, अगर है तो उसको रिप्लेस कर दो जी अपॉन वन माइनस जी एच से, या जी अपॉन वन प्लस जी एच से, जो भी अभी अपन ने पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के डिपेंड, जो भी मतलब जो भी फीडबैक है उसके हिसाब से। ऐसा कोई दिख रहा है कि आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो आप वो वाले रूल यूज करो जो अपन ने पढ़े थे, कि समेशन पॉइंट को मूव करना, टेक ऑफ पॉइंट को मूव करना गेन के ऊपर से। यहाँ पे वो जरूरत पड़ रही है क्या, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये जो फीडबैक है ये दिख तो रहा है मुझे, एक ये रहा और एक ये रहा दिख तो रहा है, लेकिन ये यहां पे प्रॉब्लम कर रहा है, यहां पे एक कॉमन पॉइंट से इसको भी फीडबैक मिल रहा है और इसको भी फीडबैक मिल रहा है। तो याद करो मैंने आपको बताया था, जब दो समेशन पॉइंट पे एक ही टेक ऑफ पॉइंट से, ये एक सिंगल टेक ऑफ पॉइंट है, जब एक सिंगल टेक ऑफ पॉइंट से दो अलग अलग समेशन पॉइंट पे इनपुट जाए तो अपन उसे ब्रेक कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहले वो वाला रूल लगा हुआ, तो सबसे पहले वो वाला रूल लगाते हैं, ठीक है। सी अपॉन आर अपने को निकालना है, तो सबसे पहले अगर मैंने वाला रूल लगाया तो मैंने क्या कहा था कि यहां से ही तो आ रहा है ये इनपुट, तो यहां से इस पे भी आ रहा है और यहां से इस पे भी आ रहा है, तो ऐसा करो ना यहाँ पे दो ब्रांच बना दो, एक ये इस पे चला गया और यहीं से उठ के आ रहा था, तो यहां से ये इस पे भी चला गया। सबसे पहले तो हमने ये किया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद जो ऊपर वाला, इसके जो अंदर वाला सिस्टम है, दिस वन, ये वाला जो सिस्टम है, इसमें ये वाली तो इसकी फॉरवर्ड गेन बन गई जी, ये बन गई इसकी फीडबैक गेन टू, और ये माइनस का साइन है, तो इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो यहां से क्या पता लगा, जी अपॉन वन प्लस जी एच, क्योंकि फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है, तो यहां साइन प्लस का आएगा, तो जी कितना है इसका, जी है वन अपॉन एस प्लस वन, और वन प्लस वन अपॉन एस प्लस वन, और इनटू टू, तो कितना आ गया, ये आ गया वन अपॉन, सोल्व कर लो इसे, तो एस प्लस थ्री आ गया, ठीक है, इजिली हो पा रहा है। तो
नेक्स्ट देखो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो तो उसको इतना ज्यादा ध्यान मत देना, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मतलब खुद से भी कर सकते हो ये सब, तो फॉर्मूला आपको पता है। इसके बाद ये आ गया 1/s+3। तो ये 1/s+3 है, ये इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। तो अब करना क्या है, हम यहाँ पे ये 1/s+3 इस पूरे को हटाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जगह उठा के हम लिख देंगे 1/s+3, ठीक है, दिस वन, ये आ गया इसकी जगह, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब दोबारा क्या फील, दोबारा क्या पता लग रहा है कि ये एक फॉरवर्ड गेन है और ये एक फीडबैक है, जिसमें फीडबैक गेन कितनी है वन, और पॉजिटिव फीडबैक है, तो पॉजिटिव फीडबैक है तो उसके लिए साइन क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का। अच्छा, अब ये जी है, एच वन है, तो अब लगा लो ना दोबारा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फाइनली और ये जो सॉल्व हो क्या आएगा, यही तो सी अपॉन आर है जो पूछा जा रहा है। तो सी अपॉन आर क्या हो जाएगा, जी, जी क्या हो जाएगा भाई, 1/s+3 अपॉन 1 माइनस 1/s+3 और इंटू वन, क्योंकि फीडबैक गेन तो वन का था। तो फाइनली क्या आ गया, 1 अपॉन, यहां से सॉल्व कर लो, s+3 माइनस 1, तो s+2। सो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो पूछा हुआ था अपने को क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस इसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं गेट में, इससे कोई ऐसा कोई खास मेजर क्वेश्चन आता नहीं है ब्लॉक डायग्राम से, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये इसके थ्रू मैं आपको वो रूल भी समझाना चाह रहा हूँ जो अभी तक अपना बचा हुआ था, ठीक है, वो रूल देखते हैं, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू उस रूल को देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है 2010 में, ठीक है, 2 मार्क्स में आया था। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये गेन, ये एक सिस्टम है जिसमें ये 1/s+1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये आउटपुट है सी ऑफ एस, इनपुट है इसको आर ऑफ एस, और यहाँ से एक फीडबैक लिया गया है, यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट से एक इनपुट उठाया गया है, दिस इज 1/s+1 एक और यहाँ पे आके एक और समेशन पॉइंट दिया हुआ है। देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे लेकिन साइन माइनस का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, और उसके बाद ये फीडबैक आके इसमें चला जा रहा है हियर माइनस, और यहाँ जो साइन है आपको वो भी माइनस का ही दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। ये क्वेश्चन है। अच्छा, पूछा क्या है, पूछा वही अपने को ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर ऑफ एस, ये क्या होगा, ये ट्रांसफर फंक्शन अपने को पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना, ये समेशन पॉइंट है और ये भी समेशन पॉइंट है। देखो जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि गेन पैरेलल हो तो ऐड हो जाती हैं, तो मैं इन दोनों गेन को पैरेलल करके ऐड कर सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको अब ये रूल बता रहा हूं, ध्यान रखना, कभी भी अगर सिस्टम में समेशन पॉइंट से उठ के एक गेन किस पे जाए, एक एक लाइन किस पे जाए, समेशन पॉइंट पे ही जाए, समेशन पॉइंट से उठ के समेशन पॉइंट पे ही जाए, तो सबसे पहले कोशिश करो कि इनके बीच में कोई गेन ना हो, इस समेशन पॉइंट और इस समेशन पॉइंट के बीच में कोई गेन है नहीं है, तो सबसे पहले तो यही ट्राई करो कि वो उनके बीच में कोई भी गेन नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी कोई भी गेन नहीं है, ठीक है, मैं अभी इसके और भी क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, यहाँ पे अभी कोई गेन नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक पॉइंट समझो, सपोज करो यहां ये जो है, यहां जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो ए है, यहां जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बी है, तो यहां क्या मिला, इस लाइन पे क्या मिला, ए माइनस बी, क्योंकि इधर से ए प्लस में और इधर से बी माइनस में, तो हियर ए माइनस बी। अच्छा, इधर से आते हैं, ये आर आ रहा है इनपुट पे, आर, तो यहां क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा होगा आर, ठीक है, ये फिर माइनस माइनस, और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है ए माइनस बी, तो आर माइनस ए माइनस बी, ओवरऑल देखो तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, R माइनस ए प्लस बी, तो यहां पे ये प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको आप दोबारा रीड्रॉ करते हैं, इसको रीड्रॉ करते हैं और देखो कैसे करेंगे। यहां ये तो 1/s+1 है, ठीक है, और अल्टीमेटली इस पॉइंट पे ये प्रोड्यूस हो जाना चाहिए R माइनस ए प्लस बी। तो इस पूरे सिस्टम को दोबारा बनाते हैं, देखो ये R इनपुट एक समेशन पॉइंट है भाई, उसके बाद में यहां पे 1/s+1 लिखा ही हुआ है, इसको थोड़ा मैं आगे बना देता हूं, यहाँ पे 1/s+1 लिखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, और दिस इज सी। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक तो आर चाहिए, आर तो आ गया, और क्या चाहिए, ए चाहिए, ए कहाँ है, ए ये रहा, ये है ए, तो यहां से उठाओ ए को और सीधा लाके इसमें ऐसे डाल दो, तो कितना हो गया ये माइनस में, क्योंकि ए माइनस में आएगा। अच्छा, यहां तक कोई गेन थी क्या, नहीं थी, तो ए सीधा माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में ए को डाल दिया, ठीक है। आगे देखो और क्या चाहिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होना चाहिए बी, वो भी किसमें, प्लस में, ये रहा बी, बी यहां से उठ रहा है भाई, यहां से, इसके बाद क्या है इसके अंदर 1/s+1, तो 1/
एस प्लस वन ये है इसमें, ठीक है, और इसको इसमें डालो, ठीक है भाई, और साइन कौन सा चाहिए, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन, ये समझ है, ये इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, आई होप ये समझ में आ गया हो। ये कन्वर्जन हमेशा अपने को करना है जब भी समेशन पॉइंट और समेशन पॉइंट के बीच में कोई ये नहीं हो, मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो दिस इज द रूल कि समेशन पॉइंट और समेशन पॉइंट, जब समेशन पॉइंट से उठ के समेशन पॉइंट पे कोई भी ब्रांच गई हो तो उनको आपस में कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए ऐसे एज्यूम कर लिया करो ए बी इस टाइप से, ठीक है। अच्छा ये कन्वर्जन हो गया, अब देखो कितना ईजी हो गया है, अब तो कुछ भी नहीं है, ये इस पूरे को समझो, ये एक फीडबैक है, मैं इसको हटा रहा हूं ऊपर वाले को, इसको समझो, ये तो एक फीडबैक है, दिस वन जिसका जी कितना है वन, एच कितना है वन अपॉन एस प्लस वन, और फीडबैक कौन सा है पॉजिटिव, तो इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हो, कैसे करोगे, इसको रिप्लेस करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आर, ये रिप्लेस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें अलग से, तो जी कितना है वन, और अच्छा ये पॉजिटिव फीडबैक है ना, तो क्या आना चाहिए जी अपॉन वन माइनस जी एच, तो जी तो वन है और वन माइनस वन एच, एच कितना है, एच है वन अपॉन एस प्लस वन, एस प्लस वन को ऊपर भेज दो, तो एस प्लस वन नीचे कितना आ जाएगा, एस प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एस प्लस वन अपॉन एस ये आ गया इस पूरे की जगह, तो यहाँ पे लिख दो पहले, सबसे पहले तो ये समेशन पॉइंट अभी भी बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ी खत्म हुआ है अभी, तो ये समेशन पॉइंट तो एज इट इज रहेगा, ऊपर से ये माइनस साइन आ ही रहा है, इसके बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट खत्म हो गया पूरा भाई, ठीक है, ये पार्ट खत्म होकर क्या बन गया, एस प्लस वन अपॉन एस, ठीक है, और इसके आगे ये कैस्केड किसके हो किससे किसके साथ हुआ, इसके साथ, तो इसके साथ कैस्केड हुआ, तो इसके साथ कैस्केड होके ये यहाँ पे क्या आ गया वन अपॉन एस प्लस वन, और फिर ये है सी और ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने जो रूल बताया था कि कैस्केडेड गेन वाला रूल, तो कैस्केडेड गेन वाला रूल क्या कहता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो ये जब कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा वन अपॉन एस ही बचेगा, तो इस पूरे को हटा के इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा के इसकी जगह अपन लिख देंगे वन अपॉन एस लाइक दिस, ठीक है, और अब तो इजीली समझ पा रहे होगे, देखो ये फॉरवर्ड गेन बन गई, अब दोबारा अगर बोलूं तो क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड गेन है जी, दिस इज जी, ये ऊपर से आ रहा है फीडबैक, तो फीडबैक गेन कितनी है वन, और फीडबैक कौन सा है नेगेटिव, जब नेगेटिव फीडबैक होगा, और यही तो है फाइनली सी अपॉन आर, तो सी अपॉन आर क्या बन गया, सी अपॉन आर बन गया वन अपॉन सॉरी जी अपॉन वन प्लस जी एच, क्योंकि फीडबैक नेगेटिव है, जी कितना है, जी है वन अपॉन एस, और वन प्लस वन अपॉन एस, और एच कितना है, एच वन है, तो वन अपॉन एस और वन प्लस वन अपॉन एस, सॉल्व कर लो बस, अब तो इसे तो वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन से जो अपन सीखे हैं वो दो तीन चीज सीखे कि फीडबैक कैस्केडेड गेन हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, समेशन पॉइंट से समेशन पॉइंट पे अगर कोई भी पॉइंट मूव कर रहा हो तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह मैं कुछ एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ जिसे तुम थोड़ा सीख पाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन है गेट 2017 में आया हुआ है, ठीक है, इसको करते हैं अपन, गेट 2017 वाला जो क्वेश्चन है ये देखो, आपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक समेशन पॉइंट है, सॉरी उसके पहले ही एक ये टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ से एक ये समेशन पॉइंट आगे गया, यहाँ पे एक गेन टर्म है जो कि 2 है, ठीक है, और ये साइन प्लस यहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो प्लस, नहीं दिया हुआ तो बाई डिफॉल्ट मैंने बोला था माइनस ही प्लस ही होता है वो, इसके बाद में ऊपर कुछ भी नहीं है, और ये इस तरीके से, ठीक है, दिस इज सी एंड दिस इज आर, ठीक है, दिस इज द पैटर्न, जहाँ पे कुछ नहीं है वो प्लस है, तो इस पैटर्न है अपन जहाँ पे प्लस है वहाँ पे अपन कुछ भी शो ना करें। अच्छा पूछा क्या है इसमें, इसमें भी पूछा है वाई सी अपॉन आर, सिस्टम का सी अपॉन आर क्या होगा, तो देखो अब अगर ध्यान से देखो तो आप इजीली समझ पाओगे, यहाँ पे यहाँ से उठ के एक नेगेटिव फीडबैक आया है, ये नेगेटिव फीडबैक है, दिस वन नेगेटिव फीडबैक दिख रहा है, लेकिन ये सॉल्व तब हो पाता जब ये यहां ना होके यहां होता, तब ये इजीली फीडबैक बनता, फॉरवर्ड गेन फीडबैक गेन वन होती, लेकिन ये ब्रांच कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे, और प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये समेशन पॉइंट, तो अब हो क्या रहा है कि या तो ये समेशन पॉइंट इस टेक ऑफ पॉइंट के से आगे चला जाए तो ये इसके अंदर आ जाएगा, या ये समेशन पॉइंट इस टेक ऑफ पॉइंट के पीछे चला जाए तो ये सिस्टम अंदर आ जाएगा, क्योंकि इधर देखो ये 2 और ये नीचे 1, ये आपस में पैरेलल गेन की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं सॉल्व हो पा रहे बिकॉज ऑफ दिस, तो
कई सारे तरीके हैं, आप या तो इस समेशन पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट के आगे से मूव कर दो, बट ऐसा रूल तो मैंने आपको अभी तक बताया भी नहीं है, अभी मैं उसको बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, या इस समेशन पॉइंट को इस टेक ऑफ पॉइंट के पीछे मूव कर दो। तो वही रूल हुआ ना कि जब समेशन पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट का आपस में रिलेटिव मूवमेंट करना हो, समेशन पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट का आपस में रिलेटिव मूवमेंट करना हो, जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, ठीक है, तो इसको उस रूल से करते हैं जो मैंने बता दिया। समेशन पॉइंट और समेशन पॉइंट दिख रहा है अपने को, ये गेन है, तो अपन ने वो तो रूल पढ़ा है ना कि समेशन पॉइंट और समेशन पॉइंट आपस में मूव कर जाएं, आपस में इंटरचेंज हो जाएं। तो ऐसा करते हैं कि इस समेशन पॉइंट को अपन इसके आगे ले जाते हैं। ये रूल तो पढ़ा है अपन ने कि समेशन पॉइंट अगर गेन के ऊपर से आगे चला जाए, ये ऊपर से आगे जाना मतलब एक ही बात है, अगर ये आगे चला जाए, ठीक है, तो क्या होता था याद करो, अगर समेशन पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गेन की डायरेक्शन में अगर आगे मूव करता है, तो ये जो गेन टर्म है ये इस ब्रांच में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, करते हैं आगे मूव। तो जब ये इसके आगे मूव करेगा, ये इसके आगे मूव करेगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसी डायग्राम में चेंजेस कर रहा हूँ, ये जब इसके आगे मूव किया, या चलो मैं नीचे बना देता हूँ, ये जब इसके आगे मूव किया तो दिस इज आर, और ये टू यहां रह जाएगा पीछे, समेशन पॉइंट आगे जा ही चुका है, माइनस साइन था उसमें, उसमें टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और एक समेशन पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पे पहले से, और लाइक दिस, और ये इसमें कहाँ चला गया, इस समेशन पॉइंट में, देखा ये बनेगा साइन, जहां पे कुछ कुछ भी डिफाइन नहीं है वो प्लस है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अब ये दो समेशन पॉइंट ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो इनको जब आपस में इंटरचेंज करोगे ये आ जाएगा इधर, ये चला जाएगा उधर। तो देखो इसका जो, इसके बाद का जो डायग्राम बनेगा वो मैं आपको यहां यहां शो करता हूं, वो देखो कैसा बनेगा। इसको ऐसा करते हैं अपन नाम दे देते हैं, ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, तो पॉइंट टू तो पहले आ जाएगा, और पॉइंट टू पहले आएगा, ये टू तो यहीं रहेगा, तो सबसे पहले तो आर से निकले टू, ये टू, इसके बाद ये आ गया इधर, ये चला गया इधर, तो ये जब इधर आया तो यहां पे एक समेशन पॉइंट आ गया टू नंबर वाला, ये वाला, ये इससे इसमें गया, तो ये यहां से इसमें चला गया, इसके बाद ये समेशन पॉइंट उधर चला गया, तो ये समेशन पॉइंट इधर आ गया, इसके ऊपर ऊपर से गेन क्या आ रही थी टू, तो यहां पे एक टू गेन डाल दो, ठीक है, और ये फीडबैक है, और उसके बाद ये उधर गया है, यहां पे तो कोई गेन नहीं थी, तो लाइक दिस ये बन गया सिंपल डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये जो गेन है और ये जो गेन है, ये तो आपस में पैरेलल गेन है, और ये फीडबैक है, तो बस अभी इसे सॉल्व कर लो, इसमें तो कुछ भी नहीं, बताओ क्या करोगे। सबसे पहले तो ये टू और ये वन, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल गेन है, तो ये दोनों का रिलेटिव, इन दोनों का फाइनल क्या आ जाएगा, थ्री। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ऊपर वाले में माइनस साइन था, ये आपको याद होगा, तो ये माइनस साइन यहाँ पे भी आएगा, यानी ये फीडबैक नेगेटिव था, बाकी सारे साइन प्लस थे, तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये तो टू प्लस वन, ये तो हो गया ओवरऑल थ्री। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे ये आर, यहाँ पे गेन मिल गया थ्री, ये हो गया पैरेलल गेन जी वन प्लस जी टू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये फीडबैक है, फीडबैक में फॉरवर्ड गेन जी कितना है वन, एच कितना है, एच है टू, और कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक को कैसे सॉल्व करते हैं, जी अपॉन वन प्लस जी एच करके, जी कितना है वन, वन प्लस जी वन और एच टू, तो ओवरऑल कितना हो गया वन बाय थ्री। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या लग जाएगा बताओ, वन बाय थ्री, और फाइनली जब ये ओवरऑल सॉल्व होगा तो अपने पास में ये कितना आ गया, ये थ्री, ये पैरेलल गेन सॉरी कैस्केडेड गेन है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके फाइनली कितना दिया वन, तो आर सिस्टम में ये वन है और ये सी, तो आप खुद सोच के देख लो सी अपॉन आर ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा वन। आई होप ये टॉपिक ब्लॉक डायग्राम जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैं अभी व्हाट्सएप पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे, या आपको पर्सनली सेंड कर रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट पूछो। कल सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो वीडियो है मैं अपलोड करूंगा, उसके पहले इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, आज रात में इस वीडियो को कंप्लीट करो और सारे इसके क्वेश्चन कंप्लीट करो, कल पूरे दिन में जो भी डाउट हो आपको पूछो, कल सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे इसके बाद। ओके ओके बाय।